आज इस नए साल के अंदर हम 1 तारीख से श्रीमंत महाराज ज्योतिष राजा सिंधिया का जन्मदिन जो पिछले साल हम लोगों ने खंडवा में मनाया था, इस बार हम लोगों ने उसके लिए बूंदी के अंदर मानदाता विधानसभा क्षेत्र में संत बुखारदास बाबा मंदिर के अंदर कम से कम 3000 कार्यकर्ताओं का हमने लक्ष्य रखा है कि 3000 कार्यकर्ता हमारे वहां इकट्ठे हों। हमने करीबन 102 लोगों के सम्मान करने का वहां पर टारगेट है हम लोगों का। जितने हमारे 65 साल से ऊपर के कांग्रेस जन जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किए हैं, उन सबको हमने वहां सम्मानित करने का और एक पत्र सम्मान पत्र देने का और शॉल शरीफ द्वारा सम्मान करने का एक प्रोग्राम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिले में कोई मरणासन स्थिति नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस है। पर वो क्या होता है कि 1-2% वोट के अंदर ही आप लोग देखते हैं हारजीत हो जाती है, वहाँ कहीं हमारी कमी है। आप ऐसा नहीं है, हमारे अभी नारायण भाई जो मानदाता से लड़े थे, आप लोगों ने देखा इनको 46-47 हजार वोट मिले हैं खंडवा के अंदर। हमको अब की बार सबसे ज्यादा वोट, आज तक जितने कांग्रेस को नहीं मिले थे उतने वोट मिले हैं। तो अगली लड़ाई बिल्कुल जारी है और अगले बार ये जो 2-3% वोट स्विंग होता है ये अब की बार कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, आप देखेंगे, और कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे विधायक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जीत के आएंगे। ये ऊपर बात चल रही है और अभी हमें कुछ उड़ती खबर भी लगी थी कि उनका चल रहा है और उम्मीद है कि ज्योतिष राजा सिंधिया ही एक ऐसा चेहरा है जो मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम लेके आते हैं तो हम कांग्रेस की सरकार बनाने की ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। अन्यथा जिसको भी ये काम मिलेगा कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में बना रही है, ये बात सत्य है। बिल्कुल तैयारी हमारी पूरी है और हम आप देखेंगे अब की बार हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर, हमारे ऊपर वाले नेताओं से यही कह रहे हैं कि उनसे पहले हमारी लिस्ट जो है प्रदेश के अंदर आए और उनसे पहले हमारा कैंडिडेट, क्योंकि उनके तो जीते हुए कैंडिडेट हैं। तो मेरे ख्याल से कई बार क्या होता है उसमें छांटने में कुछ परेशानी, हमारे यहाँ विधायक कम है जो विधानसभाएं रह भी गई हैं, उनके लिए भी हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी जो है कार्रवाई पूरी हो। अब नंदू भैया ये बता पाएंगे कि क्या होता है ये बहेलिया। हमने तो भैया जनता के लिए लड़े हैं हमारे अरुण भाई और जनता के लिए हमेशा काम करते आए हैं और आप उनके स्वर्गीय पिताजी सुभाष यादव जी के बारे में जानते ही हैं कि कितनी नहरें और कितनी सिंचित, आज जो हमारा पूर्व निमाड़ और पश्चिम निमाड़ का किसान मजबूत हो रहा है। एक शिवकुमार सिंह जी हम मैं कहूंगा और एक सुभाष यादव जी, एक दो ऐसे नेता थे सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने सहकारिता क्षेत्र के अंदर काम करके और पूरे सरकारों को ये किसानों को यहाँ पे मजबूत किया है।